मुझे एक समन मिला मेरी एक्स वाइफ की तरफ से और उसके ऊपर हजारों एलिगेशन पर लगी है मेरे ऊपर, जो कि मेरे लॉयर्स अटर्नी पाकिस्तान में उसको देख रहे हैं। मेरे बच्चों ने जो सहा और जो मैं सह रहा हूँ, मैं अभी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अब बता दूंगा सब कुछ, क्या 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 हमारे साथ हुआ है और क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि यू शुड बी अ फेयर एंड आई वांट द फेयर इन्वेस्टिगेशन, कि मेरे बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट किसने इशू किया दुबई से। ये एलिगेशन ऐसी है कि आपने तीन कंट्रीज़ की साख को ख़तरे में डाला हुआ है, एक दुबई इमारात, एक यूएसए और एक पाकिस्तान। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कैसे स्मगल हुए हैं, कैसे वो लेके चली गई और किस हालात में मेरे बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। 26 सितंबर 2019 को लास्ट टाइम मैं दुबई में मैंने अपने बच्चों को देखा था, उसके बाद मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा है। और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं इस औरत ने मुझे इतना जलील के पूरी दुनिया में अभी तक कर रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने तवक्कल किया अल्लाह की खातिर, इसको इज्जती सर इसके सर पे दुपट्टा रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। मैं पूरी दुनिया में इस औरत ने मुझे ऐसा रुसवा किया, ऐसा मेरे ऊपर एलिगेशन फेक लगाए कि मैं एक समन मिला मेरी एक्स वाइफ की तरफ से और उसके ऊपर हज़ारों एलिगेशन पर लगी है मेरे ऊपर, जो कि मेरे लॉयर्स अटर्नी पाकिस्तान में उसको देख रहे हैं। मेरे बच्चों ने जो सहा और जो मैं सह रहा हूँ, मैं अभी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि मैं बता दूंगा सब कुछ, क्या 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 हमारे साथ हुआ है, क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि यू शुड बी अ फेयर एंड आई वांट द फेयर इन्वेस्टिगेशन, कि मेरे बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट किसने इशू किया दुबई से। ये एलिगेशन ऐसी है कि आपने तीन कंट्रीज़ की साख को ख़तरे में डाला हुआ है, एक दुबई इमारात, एक यूएसए और एक पाकिस्तान। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कैसे स्मगल हुए हैं, कैसे वो लेके चली गई और किस हालात में मेरे बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। 26 सितंबर 2019 को लास्ट टाइम मैं दुबई में मैंने अपने बच्चों को देखा था, उसके बाद मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं इस औरत ने मुझे इतना जलील के पूरी दुनिया में अभी तक कर रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने तवक्कल किया अल्लाह की खातिर, इसको इज्जती सर इसके सर पे दुपट्टा रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। मैं पूरी दुनिया में इस औरत ने मुझे ऐसा रुसवा किया, ऐसा मेरे ऊपर एलिगेशन फेक लगाए कि मैं आपको क्या बताऊँ।